कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और मज़े मज़े खाने इंजॉय कर रहे हैं। आज की रेसिपी का नाम है चिकन पॉप्सिकल। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, बच्चों की फेवरेट रेसिपी है, तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनती है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले वीडियो करना है आपने लाइक, शेयर, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मम्मी की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। सब्सक्राइब इट टू। आधा किलो आपने चिकन का कीमा लेना है, उसके अंदर आपने एक मीडियम साइज़ की प्याज चॉप करके डालनी है, पानी आपने इसका खुश कर लेना है। 1-1 टीस्पून आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची चॉप करके शामिल करनी है। ये हाफ प्याली इसके अंदर आपने ब्रेड क्रम्स की शामिल करने हैं, घर के बने हुए ब्रेड क्रम्स हैं। 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर सोया सॉस शामिल करनी है, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस और 1 टेबलस्पून सिरका। नमक आपने अपने हिसाब से शामिल करना है, एज योर टेस्ट। 1 टीस्पून आपने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर शामिल करना है, हाफ टीस्पून इसके अंदर आपने वाइट पेपर शामिल करनी है और हाफ टीस्पून आपने इसके अंदर काली मिर्च शामिल करनी है और 1/4 टीस्पून आपने इसके अंदर ऑरिगेनो शामिल करना है। इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स करना है कीमे के साथ। अब आपने अपने हाथों को इस तरह ग्रीस करना है और थोड़ा थोड़ा इतना मटेरियल लेना, जितना नगेट्स के लिए मटेरियल लेते हैं उतना मटेरियल लेना है, उसको इस तरह फैला लेना। फिर एक आपने आइसक्रीम स्टिक लेनी है, उसे सेंटर में इस तरह रखना है और साइड्स को मिला लेना। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा और कीमा रखना है और एक जिस तरह एक आइसक्रीम की शेप दे देनी है। तो अब इस तरह बाकी भी बना लेंगे। यहाँ 1 कप ब्रेड क्रम्स हैं, घर के बने हुए ब्रेड क्रम्स हैं, साथ में ये स्लाइड है, इसके अंदर मम्मा ने मैदा लिया, दो चम्मच मैदे के लिए, फिर थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल किया और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया। तो इसकी इतनी ही थिकनेस होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। फिर आपने अपना एक पॉप्सिकल उठाना है, उसको इस तरह इसमें कोट करना है, फिर इसको ब्रेड क्रम में कोट करना है। अगर आप ये मैदे वाली स्लाइड नहीं चाहते तो आप इसके अंदर दो अंडे फेंटे उसके अंदर कोट कर लें। अच्छा, यहाँ पर आप इन्हें ना फ्रीज भी कर सकते हैं, जब लंच बच्चों को लंच देते हैं तो आप उसमें भी इसको दे सकते हैं। तो अब इसकी फ्राइंग की तरफ चलते हैं। मीडियम लो आंच पे आपने इसे फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसे फ्राई नहीं करना, वरना जो इसकी ऊपर वाली कोटिंग होगी वो जल जाएगी। साइड चेंज करेंगे। दो मिनट के बाद तो जी हमारे पॉप्सिकल अच्छी तरह बन गए हैं, पक गए हैं। तो अब इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में। ले जी, मज़ेदार सी चिकन पॉप्सिकल रेडी है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, सबने मामा की बहुत तारीफ की, स्पेशली ये रेसिपी मेरी फेवरेट रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ओके जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कियानिस किचन। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।